कौन जी आज मैं वीडियो दिखाऊं जी, देवता की ध्वजा यानी कि झंडा। अच्छा, रामदेव जी बाबा की ध्वजा? नहीं, सारे देवता की दिखाई। अच्छा जी, सारी छोटी हूँ लेके बड़ी, सारे देवता की, काली माता की ध्वजा होगी। अच्छा, भैरव जी बाबा की ध्वजा होगी, हनुमान जी की ध्वजा होगी। हाँ जी, भोले शंकर की ध्वजा होगी, माता जीण माता की, माता जी की। अच्छा, राधा कृष्ण जी की, सारी प्रकार की ध्वजा दिखाऊंगी। तो भाई जी एक बार थारी मान लो शॉप को और जी को चैनल को नाम बताइयो जी। शॉप को नाम तो देवम गिफ्ट हाउस है जी, चैनल को नाम है जी देवम गिफ्ट ज्ञान। लाइक हाँ जी, दिखाओ भाई जी ध्वजा। हाँ जी, आ है जी सारों छोटी पे। हाँ जी, आप साइकिल पर बाइक पर लगा सकते हैं। हाँ जी, आ 20 रुपया की ध्वजा है। अच्छा, होलसेल को काम आप? होलसेल को नहीं दिया, रिटेल की है। होलसेल तो अगर कोई होलसेल में किनी चाहिए तो अपन दे देंगा, पर ये तो रिटेल का थाने रेट बताना आ रही हूँ जी। इमें कम ज्यादा रेट हो भी सके क्यों, आज का भाव कम ज्यादा होता रहे वह बिंग बाद गए माँ, कई बार फिक्स रेट को नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सके। आज तो ये रेट है उसके, साल दो साल बाद में ज्यादा भी हो सके। हाँ, सारों छोटी ध्वजा है जी, इन्हें बाइक पर लगा के छोटी लगा सके। हाँ जी, 20 रुपये में। अच्छा भैया, बाद में जी यूं बढ़िया जी है जी, यहाँ पर कार पर गाड़ी में किसी पर लगावा साला सर या बाबा रामदेव जी जी जानो वे तो जी गाड़ी पर लगा सके। हाँ, 30 रुपये में। अच्छा भैया, इमें कलर बाबा जी को ध्वजा को धोड़वा जी। हाँ, एक तने और दिखावा इमें। हाँ, बहुत अच्छो कपड़ो रहा। हाँ हाँ, इमें जी आप पंचरंगी कलर है जी, वो आई 30 रुपये की ध्वजा जी, आई बहुत है। हाँ, गाड़ी पर लगा के सुंदर ध्वजा और। हाँ, बहुत बढ़िया जी। अब आ जाए जी बड़ी जी की, आप मकान पर लगानी है, घर पर? हाँ, कोठी पर है या घर पर है जो भी है। इमें जी दो रंग है जी, धोड़ी ध्वजा भी है। हाँ जी, पूरी डबल है जी, देखो 100 मीटर का लगभग है। हाँ हाँ, सुंदर ध्वजा है जी। आ जी 50-60 रुपया है जी, 50 रुपया 60 रुपया तक है रेट है जी। अच्छा भैया, इतो ही लगभग है। हाँ, इड्डी ध्वजा है जी, साइज वही है जी, बस इनको कलर है। ठीक है जी। हाँ जी, आई सुंदर ध्वजा है बाबा रामदेव जी ध्वजा जी। एक और थाने बाबा रामदेव जी की बड़ी ध्वजा दिखाऊँ मैं थाने, एक ही सामने भी आवे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। भाई साहब के ध्वजा नहीं ने अपने जे कोठी पर या घर पर या गेट पर लगाने आप जी? हां, रामदेव जी के ध्वजा है या सत्संग के ध्वजा दोनों काम ले सके ना। अच्छा, ध्वजा बड़ी ध्वजा है जी, 150 रुपये तक दे। सुंदर है जी ध्वजा। थाने में हनुमान जी की ध्वजा दिखाऊं? हां जी, मैं थाने बाबा हनुमान जी के मैं थाने ध्वजा दिखानी है जी, काली माता के ध्वजा को किसो रंग हुए, जी बाबा की ध्वजा को किसो रंग हुए, शिव भगवान के ध्वजा को किसो रंग हुए। हाँ देखो, छोटी बाबा की ध्वजा 20 रुपये में बेचा। हाँ हाँ, बालाजी की ध्वजा एक। हाँ, बड़ी कार जी, एक बाइक 30 रुपये में। कम ज़्यादा रेट हो तो रहा जी, कल ने साल दो साल बाद में रेट बद 20 के। हाँ, 100 मीटर की ध्वजा। हाँ, काफी बड़ी ध्वजा है मेनपाल जी का। इन्हें मौके पर 50 रुपये में बेचा जी, उसके अब 60 रुपये की होती है रेट बदल। बहुत बड़ी ध्वजा है, वीडियो अंदर दूर तक करने लग रहा, 100 मीटर के भी है जी। हाँ जी, साइज लगभग एक ही है, काफी। हाँ, बहुत भी ज्यादा आएंगे, बहुत अच्छी लुक है। हाँ देखो जी, 2.25 मीटर की है जी, 2.25 मीटर की। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, 2.25 मीटर की 100 रुपये की ध्वजा है। अच्छा, तो क्या लाग रहे? हाँ देखो जी, छोटी ध्वजा माता, माता रानी की ध्वजा, माता रानी की ध्वजा 20 रुपये की ध्वजा। हाँ, बाइक एक माता रानी की ध्वजा। हाँ, 30 रुपये की बड़ी है जी, यूँ बड़ी होगी बा मकान वा कोठी खातर, मकान खातर आपके जो भी है मंदिर वास्ते। बहुत अच्छी लुक है। हाँ, 10 रुपये की ध्वजा जी, 10 रुपये की एक ही हूँ बड़ी है जी। हाँ, माता रानी। हाँ हाँ, देखो बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ, 100 रुपये की ध्वजा जी। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी ध्वजा जी।
आज तो मेनपाल जी मान लो काली माता जी काली माँ के यहाँ आज तो भक्ता लिए आज तो मेनपाल जी पूरी सेवा कर लग रहे। कई भाई मैंने कमेंट करे जी काली माता की ध्वजा गोरंग किस हो जी किसी को है। हाँ आया तो मैं भी पिछली वीडियो में मेनपाल भाई साहब ने पूछी मैं क्यों भाई जी जब ध्वजा को कलर है और है तो मैं घर पर काली माता है काले रंग तो भाई साहब आपा जी ने घर पर यूज करना चाहवा जी घर पर यूज करो जी मंदिर में लगाओ पर रंग जी लाल वे जी ध्वजा को त्रिशूल हाँ काली माता की जी फोटो होसी लाल रंग की होसी। हाँ हाँ तो जब मैं भी पूछो भाई साहब हाँ काला रंग कौन है जी लाल में। हाँ जी आई तो मेनपाल जी सोच बूझ के हाँ सवा मीटर की ध्वजा है जी 60 रुपये एक तने जीण माता की ध्वजा दिखावा कमाल ही करना रहे भक्ता लिए बहुत चीज मेनपाल जी आए जी जीवन माता की ध्वजा सवा मीटर की ध्वजा है जी आई 60 रुपये की है जी। हाँ जी बहुत कम कोई लोग हाँ नहीं लगानी चाहिए जीवन माता की जो भक्त जीवन माता के भक्त हैं वो लगा सकते हैं इसको ले जा भी सकते हैं। इनको रेट में पाल जी 60 रुपये है जी हमारा रेट ज्यादा नहीं है। ठीक है जी ठीक है इसके कम ज्यादा होते रहते हैं। और ये भी माता के सवा दो मीटर के जीवन माता जी की ध्वजा ये देखो क्या कमाल कर रहे हो मेनपाल जी इतनी इतनी बड़ी हाँ मंदिर के लिए देखो ये 2.25 मीटर की 100 रुपये की जो अच्छा भक्त होगा जो माता का भक्त होगा वो भी इतनी बड़ी ध्वजा लगाएगा इतनी बड़ी ध्वजा देखकर भी माता रानी भी खुश होगी ना। अब ये देखो जी कृष्ण भगवान की ध्वजा क्या जय श्री श्याम जय श्री श्याम मेनपाल जी कमाल ही करे आज तो जय श्री श्याम 30 रुपये की ध्वजा। अच्छा जी आपको और भी दिखा रहा हूँ ये जी ओम नाम की ध्वजा जी ओम नाम की है जी ये मेनपाल जी ओम नमक स्वाय शिव शंकर की नहीं जी जो भी ये अच्छा ओम हाँ ओम की ध्वजा जी ठीक है सनातन धर्म के ओम की ध्वजा जी ये 60 रुपये की ये देखो भैरव बाबा की क्या बात है मेनपाल जी भैरव बाबा की ध्वजा लाल रंग की ये 60 रुपये की ये भी 100 मीटर की है मेनपाल जी। हाँ जी हाँ जी 100 मीटर की जी। क्या बात है मेनपाल जी ये जी भैरव बाबा की ये तो मेनपाल जी और बताए कई पूछते हैं हाँ गणेश जी हाँ पीले रंग की गणेश जी महाराज की बोल ये देखो जी सबसे पहले हाँ गणेश जी महाराज को मनाना चाहिए 100 मीटर और इसका मेनपाल जी क्या रेट है रेट 60 रुपये अच्छा जो इतने क्या बात मीटर के रेट लगभग उनका यही है जी अच्छा अच्छा ये देखो जी सबसे बड़ी गणेश जी महाराज की क्या बात है भाई ये 2 मीटर के लगभग मेरे को लगा 2 मीटर की ध्वजा गणेश जी महाराज की शुभ दिन आ गया भाई आज बार भी बुधवार है। ये भोले शंकर की पूछते हैं लोग किस कारण महादेव शिव शंकर भोले शंकर ओम नमः शिवाय हाँ ये तो साउंड चल ही रहा अभी तो काम की है 30 रुपये की ध्वजा है जी अच्छा और भोलेनाथ की इससे भी बड़ी ध्वजा दिखा रहा हूँ मैं आपको ये देखो महादेव शिव शंकर क्या बात है मेनपाल जी ये भी 100 मीटर के ही है। हाँ जी हाँ जी 60 रुपये जी ओम नमः शिवाय लिखा है शनि महाराज की ये भी 100 मीटर की ध्वजा हाँ जी हाँ जी ये बड़ी है जी 80 रुपये की 80 रुपये की और एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको ये पितर जी महाराज की होती है ध्वजा पितरों की ध्वजा क्या बात है कोई मेनपाल जी रे ना जाए रे नहीं रहेगी ये पितरों की ध्वजा होती है जिसके किसी के पितर दुखते हैं उसकी ध्वजा क्या बात है मेनपाल जी तो ये भी 60 रुपये की है नहीं 80 रुपये की 80 रुपये की और ये जो घर के वास्तु के लिए ध्वजा लगाते हैं पंचरंगी ध्वजा ये घर के वास्तु शास्त्र के लिए हाँ जी घर पे लगाते हैं मकान का अगर मोहर्त करते हैं मोहर्त के नया मकान का जो मोहर्त करते हैं हाँ उसके लिए ये ध्वजा होती है पचरंगी ध्वजा क्या बात है मेनपाल जी ये 80 रुपये की है।